नोएडा के एसएसपी अजय पाल शर्मा की टीम पेटीएम रंगदारी कांड में तीन लोगों को गिरफ्तार करती है। खूबसूरत सोनिया धवन को, उसके पति राहुल उर्फ रूपक जैन को और पेटीएम कंपनी के कर्मचारी देवेंद्र कुमार को। लेकिन ये रोहित चौपाल कौन है और कैसे रोहित चौपाल के पास पेटीएम कंपनी के मालिक का पर्सनल डेटा पहुंचा? तो इसके पीछे एक सीक्रेट प्लान है और ये प्लान सोनिया, रूपक जैन, देवेंद्र और रोहित चौपाल ने मिलकर बनाया। कैसे, आइए इसका खुलासा करते हैं। सोनिया कंपनी में करीब 10 सालों से काम करती थी। वो कंपनी के मालिक विजय की बेहद करीबी हो चुकी थी और यही वजह थी कि क्रेडिट कार्ड और ईमेल से लेकर तमाम निजी डेटा को एक्सेस करने की उसे इजाजत थी। जी हाँ, 20 करोड़ की फिरौती के खेल में सूत्रधार सोनिया धवन है, क्योंकि सोनिया धवन पेटीएम के मालिक विजय शेखर की सेक्रेटरी होने के साथ साथ उनके बेहद खास हो चुकी थी। इतनी खास कि कहा जाता है कि विजय शेखर उससे हर चीज शेयर करने लगे। सोनिया धवन ने पहले विजय शेखर का विश्वास जीता और फिर विश्वासघात कर दिया, क्योंकि इनके जितने ATMs, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जितने भी प्लास्टिक मनी या अन्य जो डिटेल्स, ईमेल्स की डिटेल्स हैं, वो सारी उनके पास में होना बताया गया है, क्योंकि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे सारे उसको डाटा को मैनेज कर रही थी। एंड फर्दर अभी क्योंकि पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा कोर्ट में प्रोडक्शन के बाद, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है डेटा रिकवरी का, उसके बाद में एनालिसिस का, किस फॉर्म में रखा गया है, किस तरह का डेटा, वो सारा उसके बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन में स्टडी किया। सोनिया ने पेटीएम के एडमिन के पुराने कर्मचारी देवेंद्र कुमार को अपने साथ मिलाकर विजय शेखर के निजी कंप्यूटर से उनका बेहद पर्सनल डेटा चोरी कर लिया, जिसमें विजय शेखर की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब सोनिया और देवेंद्र ने विजय शेखर को ब्लैकमेल करने और 20 करोड़ रुपए फिरौती मांगने का प्लान बनाया। इसमें सोनिया ने अपने प्रॉपर्टी डीलर पति रूपक जैन की मदद ली। सर, मेरे को सोनिया ने बोला था डाटा चुराने के लिए, डाटा चुरा के मैंने अपने पास रख लिया था और आगे अपने फ्रेंड को दे दिया था। इसके बाद रोहित थाईलैंड के एक नंबर से पेटीएम के मालिकों को रंगदारी मांगने के लिए फोन करता है, अपना खाता नंबर देता है और धमकी देता है कि अगर रकम नहीं दी तो सारी जानकारियां सार्वजनिक कर देगा। रोहित रंगदारी की दो किश्त वसूल भी कर लेता है, लेकिन तीसरी किश्त से पहले उसका फोन रिकॉर्ड करके पेटीएम के मालिक पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। अब पुलिस विजय शेखर से पूछती है कि उनके पर्सनल डेटा के बारे में किस किस को जानकारी थी, तो विजय शेखर अपने सेक्रेटरी सोनिया का नाम बताते हैं। इसके बाद पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए सोनिया के खिलाफ सबूत जुटाती है और उसे हिरासत में ले लेती। पुलिस कस्टडी में सोनिया सारा सच उगल देती। विजय शेखर ने पुलिस को बताया कि उनका पर्सनल डेटा सोनिया के अलावा किसी के भी पास नहीं हो सकता, और इसी वजह से पुलिस आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए सोनिया तक पहुंची और इंस्पेक्टर 20 मनोज कुमार पंत ने सोनिया और दो और लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। इस पूरी साजिश में कोलकाता का रोहित अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। रोहित की तलाश में पुलिस की कई टीमें कोलकाता के लिए निकल चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पेटीएम के मालिक का पर्सनल डेटा चोरी हो गया, तो क्या 23 करोड़ उपभोक्ताओं का डेटा पेटीएम के पास सुरक्षित है? पेटीएम कंपनी का कहना है कि ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का विवरण पूरी तरह से सुरक्षित है। कंपनी का कहना है कि वो कभी भी ग्राहकों के CVV नंबर को स्टोर नहीं करती। देश की जानी मानी कंपनी पेटीएम के मालिक का पर्सनल डाटा चुरा कर उनको ब्लैकमेल कर 20 करोड़ रुपए डिमांड करने वाली उनकी सेक्रेटरी को आखिरकार नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में सेक्रेटरी के पति सहित कुल तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश की जा रही है। इन सब की गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए की गई है। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोनिया और उसके साथियों के पास पेटीएम के मालिक का किस तरह का पर्सनल डाटा मौजूद है।